कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। कहते हैं अगर आप अपने आप पर विश्वास करें तो आप अपने जीवन में किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आज की मेहमान की कहानी भी कुछ ऐसी है, जिनका डांस से तीरंदाजी तक का सफर बहुत ही रोमांचक है। हम बात कर रहे हैं संचिता तिवारी की, जिन्होंने 8 साल की उम्र तक डांस किया, और डांस भी इतना कि स्टार प्लस के एक डांस रियलिटी शो के लिए सेलेक्ट भी हो गई। पर किसे पता था आगे चलकर संचिता तीरंदाजी में अपना करियर बनाएंगी। जब संचिता 8वीं क्लास में थी तो उनके स्कूल में आर्चरी सिखाना शुरू किया गया, बस तभी से उनकी नई पारी की शुरुआत हो गई। फिर क्या था, देखते ही देखते नेशनल्स हो या इंटरनेशनल इवेंट्स, संचिता के तीर निशाने पर लगने लगे और उन्होंने कई मेडल्स अपने नाम कर लिए। इसी साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संचिता को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए स्वागत करते हैं देश की युवा तीरंदाज संचिता तिवारी का। संचिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है विलासिन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सर। संचिता, सबसे पहले हमें ये बताइए कि डांस से तीरंदाजी तक का सफर, ये अचानक से कैसे शिफ्ट कैसे हुआ? एक्चुअली इनिशियली ऐसा कोई प्लान नहीं था, और ना मैंने ऐसा सोचा था, ना घर में किसी ने सोचा था कि मैं एक एथलीट बन सकती हूँ, क्योंकि आई वॉज अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ गर्ल। मैं बहुत ही मतलब सॉफ्ट टाइप की गर्ल थी, और डांस करने वाले मतलब आई एम यूजुअल बेसिकली क्लासिकल डांसर, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं आर्चरी में जा सकती हूँ। बट हमारे स्कूल में आर्चरी स्टार्ट हुई, और मैं झांसी की रानी को बहुत आइडियलाइज करती हूँ, मतलब कि जैसे वो बोल्ड एटीट्यूड और वो फियर्स जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, तो उस वजह से मैं काफी मोटिवेट हुई। और फिर मुझे पता चला कि ये बोज एंड एरोज का गेम है, तो थोड़ा एक्साइटेड हो गई। मैंने ऐसे ही बस मस्ती के लिए ट्राई कर लिया, फिर वो 1 मंथ में नेशनल स्टेट्स, तो बस उससे फिर मोटिवेशन मिलता गया और आगे। तो जब आपने अपने मम्मी पापा को बताया कि मुझे डांस छोड़ अब आर्चरी में जाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? पहले तो मतलब जब मुझे पता चला कि मैं स्टेट्स में सिलेक्ट हुई हूँ, 1 मंथ आर्चरी करते हुए मुझे हुआ था अबाउट अ मंथ, तो फिर मैंने घर में बताया कि मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ है ऐसे ऐसे, तो मेरे मम्मा पापा पहले हंसे कि तुम्हें पता है स्टेट क्या होता है, ऐसे इतनी जल्दी नहीं हो जाता, और अभी कहाँ तुम्हारा इतना लेवल है। और फिर उसके बाद मतलब थोड़ा ऐसे मस्ती टाइप से मजाक हुआ कि स्टेट पता भी है क्या होता है, और फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है मेरे कुछ मिसकंसेप्शन हुआ। फिर मेरा ब्रदर स्कूल गया मेरे, और मतलब मेरे कोच से बात की कि सर क्या है, मतलब क्या सीन है कि ये मजाक करी है सच्ची में, तब दे गॉट टू नो कि सच्ची में है। फिर उसके बाद तो दे वर हैप्पी कि एकदम से स्ट्रीम चेंज हो गई, बट फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मतलब मेरे टूर्नामेंट्स में मेरे साथ जाने के लिए, और मेरे प्रैक्टिस सेशंस के लिए मेरे साथ 4-4, 5-5 आवर्स ग्राउंड में बैठे रहना, फिर मेरी स्टडीज में हेल्प करना। तो सो डांस से तीरंदाजी, कैसा रहा ये सफर अभी तक का आपका? बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत सारे न्यू चैलेंजेस फेस किए हैं, न्यू लेसन्स मिले हैं, और पहले तो मतलब डांस वाज माय लाइफ, क्योंकि और क्लासिकल डांस में कथक करती थी, तो मेरे को मंडी हाउस जाना होता था प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने अपना सेटिंग कर ली थी कि मतलब वीक में 3 डेज में डांस करूंगी और 3 डेज आर्चरी, मैं डांस नहीं छोड़ सकती। बट फिर मतलब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना टाइम नहीं दूंगी आर्चरी को तो चल जाएगा, बट फिर उसके बाद जब नेशनल लेवल के लिए हमें मेडल्स के लिए काम करना हुआ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर करना हुआ, तो दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो फिर मुझे डांस ड्रॉप करना पड़ा, और वो बहुत ही डिसहार्टनिंग था कि मतलब डांस छोड़ना, बट अब मैं अपने आप करती हूँ। सो आपका डेली रूटीन क्या है अभी आपका, मतलब आप डांस तो खैर डेली नहीं कर पाती हैं, बट तीरंदाजी क्योंकि इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, सो मॉर्निंग टू इवनिंग आपका किस तरीके से पूरी दिनचर्या रहती है? अभी तो ड्यूरिंग लॉकडाउन तो इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल जैसे यूजुअली हम फॉलो करते हैं वैसे नहीं हो पा रहा,
बट मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहती हूँ अंडर खेलो इंडिया स्कीम, तो वहाँ पे हम लोग का लाइक मॉर्निंग 5:30 से स्टार्ट हो जाता है सेशन, फिर 1-1.5 आवर योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज, देन उसके बाद हमारी 6 o'clock से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है टिल 11 o'clock आफ्टरनून, 11 o'clock 12 o'clock, फिर लंच के लिए थोड़ा ब्रेक एंड देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम 3 o'clock और शाम को 7:30 तक फिर से प्रैक्टिस होती है। तो इसमें स्कूल कहाँ है, मतलब आप क्योंकि यू आर स्टिल स्टडिंग, तो स्कूल का कैसे मैनेज करती हैं इस दौरान? एक्चुअली इस मेरी आर्चरी जर्नी में मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मेरा इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, तो मैं रात को पढ़ाई, मतलब आफ्टर 7:30 हम फ्री होते हैं, तो फिर मैं अपने रूम में जाके डिनर के बाद मैं 9 o'clock से 1 o'clock 2 o'clock तक अपनी स्टडीज करती थी, फिर उसके बाद मुझे मॉर्निंग कंटिन्यू करना होता था, और इस साल तो मेरी 12th क्लास थी तो थोड़ा और हेक्टिक शेड्यूल था, फिर मैंने साइंस स्ट्रीम भी ली थी, मेडिकल स्ट्रीम, तो वो और एडिंग थोड़ा एडिंग टू द प्रेशर हो गया था, बट आई एंजॉयड डूइंग दिस, मतलब मुझे ज्यादा हार्डवर्क करके मजा आया कि मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट देखा तो आई फेल्ट गुड कि At least I've done something. क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स करना और बिना स्टडीज के वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपने आप में, तो इसलिए। So अब 12th क्लास भी हो चुकी है एंड लॉकडाउन का पीरियड भी था, 3-4 महीने अच्छा खासा समय था, सो अगर समय मतलब अभी मिला तो आपने डांस किया? बहुत ज्यादा। So कौन कौन से फेवरेट सॉन्ग थे आपके? मतलब फेवरेट सॉन्ग्स मतलब ऐसे कोई बहुत मेरे बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं है, क्योंकि मैं यूजुअली क्लासिकल लाइन में हूँ, तो जो ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग्स हैं लाइक मनमोहिनी टाइप्स और ऐसे वाले सॉन्ग्स पे मैं डांस करती हूँ, तो आई प्रेफर दोज, और बॉलीवुड सॉन्ग्स तो आर लाइक मस्ती वस्ती टाइप्स करनी है तो यस। सो आप इतनी दूर तक आ चुकी हैं संचिता, इतना कुछ कर चुकी हैं, सो अभी तक का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट आपको कब लगा कि यू नो मैं इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए कोई है ही नहीं लाइफ में, ऐसा कोई समय आपकी जिंदगी में आया हो? हाँ, 2-3 ऐसे मोमेंट्स हैं, लाइक एक तो अभी रिसेंटली मेरे को जो नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला, तो वो बहुत ही एकदम बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट हाउस में बैठे थे और वो मतलब दैट वॉज लाइक अ ड्रीम कि प्रेसिडेंट सर आ रहे हैं और फिर हम लोगों को अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत ही एक बहुत प्रेशियस मोमेंट था वो, और कभी भी मैंने तो इमेजिन नहीं किया था कि स्पोर्ट्स में मुझे मिलेगा और वो भी इतना हाई लेवल का अवार्ड। देन उसके बाद रिपब्लिक डे परेड में हम लोग गए थे द ब्रेवरी अवार्ड चिल्ड्रन, तो हम लोग वहाँ पे थे उसमें, दैट वॉज वेरी मतलब हम एवरी ईयर वी वॉच रिपब्लिक डे परेड, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें भी वहाँ पे होना चाहिए, तो बस वो सोचने वाला ही था कि हमें वहाँ पे होना चाहिए, बट जब हम एक्चुअली वहाँ पे बैठे थे तो वो 10-15 मिनट्स तो एकदम मतलब ऑन द टॉप ऑफ द स्काई थे हम लोग। So, yeah. एक अच्छा आर्चर बनने के लिए आपको क्या लगता है संचिता सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? आई बिलीव कि आर्चर ही नहीं, अगर आप किसी भी स्पोर्ट में हो तो सबसे पहले तो पैशन होना चाहिए स्पोर्ट को लेके, मतलब आप पे वो बर्डन नहीं होना चाहिए कि अच्छा अब प्रैक्टिस करने जाना है या ऐसा कुछ, आपको मजा आना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद आर्चरी करने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है, मतलब आर्चरी इज मोर ऑफ अ मेंटल गेम देन फिजिकल गेम, आपको ज्यादातर अपने मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तो धीरे धीरे ट्रेनिंग करते करते प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस से आ जाता है, पर सबसे ज्यादा हमारा माइंड यूज होता है, तो हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं प्रेशर के टाइम पे और कैसे हम उसे ट्रेन कर पाते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सो तीरंदाजी कहते हैं कि यू नो अर्जुन वॉज द बेस्ट, अगर तीरंदाजी में किसी का नाम अगर लिया जाता है तो अर्जुन का लिया जाता है, कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको अर्जुन से कंपेयर किया गया हो? फैमिली में तो होता ही है, मतलब फैमिली रिलेटिव्स दे आर लाइक हमारी लेडी अर्जुना है, और अभी ऐसे बाहर इतना कुछ नहीं, बट स्कूल में फैमिली में ऑफन दे एड्रेस मी एज लेडी अर्जुना, तो तब अच्छा लगता है थोड़ा, अभी पब्लिकली इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
सो हर किसी की लाइफ में यू नो संचिता अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. सो कभी एक ऐसा मोमेंट यू नो ए टफ मोमेंट व्हेन यू फेल्ट कि नहीं अब मुझसे और नहीं होगा, शायद मैं अब गिव अप कर दूं, ऐसा कभी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको लगा? सर अभी तक तो ऑनेस्टली टेलिंग अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि अप्स हुए हैं, डाउन्स हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ, बट मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, कोच, तो ये लोग देवर देयर कि मुझे मोटिवेट कर ले रहे थे. और पहले तो मतलब खेलते हुए जो मुझे सिखाया गया है मेरे पेरेंट्स ने और मेरे कोच ने, वो दे जस्ट टेल मी कि जब तुम खेलने जाओ तो उसे जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी हमें, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं तभी हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं. Indeed. तो अभी तक तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है, आई होप नहीं आना चाहिए. हम भी आशा करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़े, राइज करें. अच्छा सर, संचिता एक चीज और बताइए, कहते हैं आर्चरी एक महंगा स्पोर्ट है, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इज इट ट्रू? या इट इज एक्सपेंसिव. मतलब अगर आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट करना है, मतलब आपको ऐसे ही करना है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है. बट अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो आपको ईयरली 1 लाख का आ जाता है एक्सपेंस, 1-1.5 लाख, क्योंकि इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. फिर उसके बाद आपके ट्रेनिंग चार्जेस होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं. तो इट इज इंडीड एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट. ओके संचिता, आप अभिषेक वर्मा को अपना रोल मॉडल मानती हैं? एंड अभिषेक जी, अभिषेक क्योंकि कंपाउंड यू नो आर्चरी जो है, जो आप करते हैं, अभिषेक वर्मा भी करते हैं, ये ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है. सो अभिषेक वर्मा ने कहीं बोला कि यू नो मैं शायद कंपाउंड आर्चरी से शूटिंग में शिफ्ट कर जाऊं पोस्ट 2020, सो दैट यू नो मैं जो खेलों का महाकुंभ है ओलंपिक्स जिस जो है उसमें मैं खेल सकूं, कम से कम भाग ले सकूं. सो आपका भी कोई ऐसा प्लान है आगे चल के? सर अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है. और अभिषेक सर मतलब हम सेम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, तो ही इज अ मेंटर, ही इज माय मेंटर. तो मतलब हम लोगों ने भी उनसे काफी बार इस बारे में पूछा कि सर आप मतलब आर्चरी छोड़ के जाओगे, तो वी विल बी लाइक कि अभिषेक सर के बिना तो कंपाउंड आर्चरी लाइक ऐसे ही है. तो फिर उन्होंने मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट उनका लेवल अभी बहुत हाई है और मेरा कंपैरिजन उनसे नहीं है जहां तक मैं सोचती हूँ. अभी गेम चेंज करने के बारे में मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. फर्स्ट पहले मैं एशियन गेम्स जो टारगेट है कंपाउंड का हाईएस्ट, उसे अचीव करूंगी, फिर बाद में ओलंपिक्स. तो ऑब्वियसली हर एक एथलीट का ड्रीम होता है, बट अभी जिस कैटेगरी में हूँ उसकी हाईएस्ट अचीवमेंट पे है मेरा एम. पर जनरली कितना आसान होता है ये यू नो आर्चरी से आप शूटिंग में शिफ्ट करें, तो ये आसान है या ये मुश्किल रहता है, कैसे रहता है ये? सर आसान तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, बट हाँ थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से काइंड ऑफ मेडिटेटिंग गेम्स हैं जिनमें आपको मेडिटेशन चाहिए, और दोनों में ही हमारी मेंटल ट्रेनिंग का प्रोसेस सेम ही रहेगा. तो ये चीज हमें थोड़ा बेनिफिट कर सकती है कि मतलब अगर हम स्विच करें गेम को. बाकी मुझे शूटिंग के बारे में कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं ज्यादा बता भी नहीं पाऊंगी. अच्छा, जो कोई अगर यू नो किसी को आर्चरी में इंटरेस्ट आ जाए देख करके कि हाँ मतलब इट्स इंटरेस्टिंग स्पोर्ट, इसको हम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो कैसे शुरू कर सकता है कोई, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे आप? सर आर्चरी वैसे अभी काफ़ी स्कूल्स में भी स्टार्ट हो गया है, और अभी लॉकडाउन के टाइम में हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आर्चरी की, तो वहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. बाकी दिल्ली एनसीआर में अभी तक का बेस्ट ग्राउंड यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, मैं अभी वहाँ ही प्रैक्टिस करती हूँ जब यहाँ होती हूँ. बाकी नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, मतलब जिस एरिया में हो आपके आसपास ग्राउंड वगैरह, तो वहीं पे जाके कोचेस गाइड कर देंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या आपका फिजिक है, किस कैटेगरी में जाना चाहिए, वो सब वहीं पे गाइडेंस मिल जाएगी. ओके, कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैसेज मेरा बस
व्हाट आई बिलीव इज कि एक विनर बनना डिफिकल्ट होता है, पर एक विनर बने रहना और ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो मतलब जब हमें कुछ अचीवमेंट हो जाती है हमारी, तो हमें उस अचीवमेंट के लिए और हार्डवर्क करना करना चाहिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, हम डिजर्व करते हैं. और बार बार विनर बन के, बार बार अपना हार्डवर्क करके हम उस चीज को प्रूव कर सकते हैं. Even Thomas Puller has said, you know, a good archer is not known by his arrows, but by his aim. Yeah. Your aim is very clear, Sanchita, and Vilasins Sports wishes you the very best for all your bright future. Thank you, sir. दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की नई हस्तियों के साथ. तब तक, keep enjoying your life.